ओल्ट ने ओजी प्रो लॉन्च किया है जो कि एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी ही है, बट इससे पहले हमारे इंडियन मार्केट में पेबल की कोसमोस एंगेज थी, फायरबोल्ट की ग्लैडिएटर थी, उसके बाद फायरबोल्ट ने एक और स्मार्ट वॉच लॉन्च की थी। अब जेबरोनिक्स और इस मार्केट में कूदने वाला है जहां पे आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा की कॉपी मिल जाती है, बट कौन सी वैल्यू फॉर मनी होगी वो चीज हम चेकआउट करेंगे। एंड ये है अनबॉक्सिंग ओल्ट ओजी प्रो की। 2000 रुपीस पे ये सबसे चीपेस्ट कॉपी है। इसके बॉक्स कंटेंट से शुरुआत करते हैं। ओल्ट ओजी प्रो का बॉक्स कुछ इस टाइप से मिलता है। की फीचर्स दोनों साइड यहाँ पे हाइलाइटेड आपको मिल जाते हैं। पीछे और स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। एप्लीकेशन ये वाले डाउनलोड कर लेना। एमआरपी की जहां तक बात है 13,000 यहाँ पे मेंशन है। देखना ये होगा कि कितना क्लोन इन्होंने छापा है। सबसे पहले स्मार्ट वॉच, पोको पिन चार्जर, ओल्ट स्टिकर एंड ये यूजर मैनुअल वगैरह पढ़ लेना। बिल्ड क्वालिटी की जहां तक बात है आपको सिलिकॉन स्ट्रैप मिल जाता है, रिमूवेबल है, साइड से आपको स्लाइड करना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी वाला है। एंड पीछे की तरफ आपको सेंसर मिल जाते हैं, एक फर्म लगी हुई थी वो आपको रिमूव करने होगी ताकि सेंसर बढ़िया एक्यूरेसी के साथ आए। बोल्ट की ब्रांडिंग है, क्राउन है, एक बटन है, माइक्रोफोन इस साइड में, स्पीकर ग्रिल आपको दूसरी साइड मिल जाएगी। यहाँ पे बस इन्होंने जो बटन होता है एप्पल अल्ट्रा में वो नहीं दे रखा, बाकी तो सब कुछ छाप रखा है। बेल्ट यहाँ पे इसकी मेटल है अगेन। एंड चलिए एक बार ऑन कर लेते हैं। इसमें बैटरी नहीं थी, मैंने थोड़ा सा चार्ज किया इसको एंड चार्ज करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हल्का फुल्का बैटरी आ चुकी है। अगर मैं बात करूं इससे पहले हमारे पास पेबल कॉस्मोस थी, फायरबोल्ट की ग्लैडिएटर थी एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं डिजाइन आपको साइड से काफी हद तक सिमिलर दिख रहा है। इन तीनों की तीनों एप्पल वॉच की कॉपी ही हैं, बट इसका प्राइस 2000 रुपए है, वो काफी अमेजिंग थिंग है। कनेक्ट करने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी एंड यहाँ पे ओल्ट ओजी प्रो का ऑप्शन आ जाता है। इसका इंटरफेस मैं पहले भी काफी बार बात कर चुका हूँ, ये फायरबोल्ट की जो दाफिट एप्लीकेशन है उस जैसा ही मिलता जुलता आपको UI मिल जाएगा। एंड कनेक्ट हो चुके, कनेक्ट होते ही टाइम अगर यहाँ पे चेंज मिल जाता है। प्रोडक्ट हो चुके अनबॉक्स। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाती है। सरप्राइजिंगली 2000 रुपीज पे आपको मेटल यहाँ पे मिल जाता है एंड अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी मेरे को फील हो रही है। इवन दो स्ट्रैप भी काफी अच्छा है, रिमूव कर सकते हैं, स्लाइड एंड रिमूव वाला केस है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज इन्होंने मिस की वो है बटन साइड में। अगर बटन होता था एग्जैक्टली कॉपी लगता तो कुछ ना कुछ तो अलग होना ही था, तो पूरा नहीं छापा, 90% तो छाप ही दिया इन्होंने। डिस्प्ले की बात करिए पूरे की पूरी फ्लैट डिस्प्ले, 1.93 इंचेस का आपको पैनल बनता है, HD पैनल है एंड TFT डिस्प्ले जहां पे 320x386 का रेजोल्यूशन मिलता है, काफी कमाल का। बट आउटडोर कंडीशन में जो ब्राइटनेस लेवल है वो इतना अच्छा नहीं है। कैमरा पे मुझे नहीं लग रहा नोटिस हुआ था, बट हाँ अगर आप नॉर्मली देख रहे हैं तो आपको स्क्रीन विजिबल मिल जाती है, बट उतना ब्राइटनेस लेवल एक्सपेक्ट मत करना। टच रिस्पॉन्स मुझको काफी अमेजिंग लगा कंपेयर टू अदर ब्रांड्स लाइक पेबल का कंपेयर करता हूँ तो वो 4000 की मिल रही है, ये आपको 2000 की मिल रहा है, तो आधे रेट के बावजूद ये आपको काफी बढ़िया डिस्प्ले देती है जिसमें टच रिस्पॉन्स हो, एक्सीडेंटल टच हो, काफी कम है, टच वेरी रिस्पॉन्सिव एंड आपको एक बढ़िया UI मिल जाता है। UI में फायरबोल्ट जैसा बोल सकता हूँ यहाँ पे मिलता है। एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है स्पोर्ट मोड का एक्सेस करने के लिए, क्राउन दिया गया, बट क्राउन का मेरे को इतना सीन नहीं लगा क्योंकि काफी स्लो है यार, इतना फास्ट नहीं है। ऐप स्विच नहीं कर सकते, नीचे जाएंगे तो वहां पे टाइम लग जाएगा, उससे बेटर है डिस्प्ले यूज कर लें। बट आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर चेंज करने के लिए आप स्क्रीन को होल्ड करके वहां से भी चेंज कर सकते हैं। 4 आपको वॉच में स्टोर मिल जाते हैं एंड यहाँ पे कोई भी एप्पल वाला इन्होंने वॉलपेपर नहीं दिया। 150 आपको वॉच फेस एप्लीकेशन में मिलेंगे जहां पे आप एडिट भी कर सकते हैं, तो वो चीज भी आपको मिल जाती है। ऑन हैंड स्मार्ट वॉच काफी अच्छी दिखने वाली है, काफी स्मॉल डिस्प्ले है क्योंकि बेजल्स जो है काफी मिनिमल यहाँ पे रखे गए हैं जो एक प्लस पॉइंट है, तो मैन वुमेन या बच्चे भी इसको यूज कर सकते हैं अगर आपका रेस्ट साइज थोड़ा सा ठीक है। तो रेस्ट वे का फंक्शन की जहां तक बात आती है तो 8 to 9 टाइम वर्क करता है आउट ऑफ 10 विद ग्रेट एक्यूरेसी। मेरे को एक्यूरेसी वाइज कोई भी दिक्कत नहीं लगी, बट 1 वे ही वर्क करता है, डिस्प्ले ऑफ नहीं होती। अदर फीचर्स में आपको ओल्ट जो है वो प्रॉमिस करता है 5.2 की कनेक्टिविटी एंड एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है अंडर 2000 रुपीज जो कि आजकल नॉर्मली हो चुका है, बट कॉलिंग एक्सपीरियंस मेरे को इसका काफी कमाल का लगा। मैंने आउटडोर में इसका माइक्रोफोन टेस्ट किया था, पहले रिजल्ट सुने उसके बाद जो भी अपना ज्ञान है वो हम देते हैं। ये जो साउंड आ रही है ये ओल्ट ओजी प्रो के माइक्रोफोन से आ रही है, कुछ इस टाइप का आपको बाहर की तरफ माइक्रोफोन इसका देखने के लिए मिलेगा। माइक्रोफोन के बिल्कुल नियर हूं मैं एंड ये आउटपुट आपको मिल रही है। कूल क्वालिटी आपने सुन ली। अगर बात करूं यहाँ पे माइक्रोफोन की तो माउथ के पास आपको रखना पड़ेगा, जितना पास रखेंगे उतने बेटर क्वालिटी आपको दिखेगी। अगर थोड़ा सा दूर रहता है तो इतना बेटर माइक्रोफोन इसकी वॉइस कैप्चर नहीं करता। डिस्टर्बेंस की जहां तक बात है एक नॉर्मल कॉल आपको सुनाई देगी, डिस्टर्बेंस कम नहीं होता, नॉर्मली रहता है एंड लकीली आज इतना डिस्टर्बेंस नहीं था आउटडोर कंडीशन में।
कॉल पे अदर फंक्शंस की जहां तक बात है आप कॉल एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं, उठाने के बाद माइक्रोफोन म्यूट कर सकते हैं या फोन पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सभी फीचर्स आपको मिल जाते हैं, विच इज ए प्लस पॉइंट कंपेयर टू दो स्मार्ट वॉच जो कॉल बोलती हैं, कॉल उठाएंगे काटेंगे, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। आपको 8 कॉन्टैक्ट सेव का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप लाइक फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच यहाँ पे 8 कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं। डायल पैड का ऑप्शन है, रीसेंट कॉल आप चेक कर सकते हैं, ये फंक्शन आपको मिल जाते हैं। स्पोर्ट मोड की जहां तक बात, आपको 120 स्पोर्ट मोड मिलते हैं, विच इज ए गुड नंबर एंड अंडर 2000 रुपीज वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है, बेटर हो जाता है। एक्यूरेसी की जहां तक बात है, पेडोमीटर आपको बढ़िया क्वालिटी का मिलता है, अगर आप 100 स्टेप चलते हैं तो हल्का फुल्का डिस्क्रिपेंसी लाइक 5% की आपको डिस्क्रिपेंसी वहां पर मिलती है, विच इज नॉर्मल। देन आपको वाटर स्पोर्ट मिलता है, तो IP68 ये सर्टिफाइड आप मान सकते हैं। हेल्थ सेंसर वाइज यहाँ पे 3 सेंसर इंक्लूड किए हैं, प्लस 3 और चीज है जैसे कि स्लीप मॉनिटरिंग, वुमेन हेल्थ, ब्रीथ ट्रेनिंग, ये आप मान सकते हैं। हार्ट रेट, बीपी एंड SpO2 भी आपको मिलता है। सेंसर की अगर मैं बात करूं, ऑन टेबल आपको डेटा नहीं मिलता, ऑन एयर मिल जाता है, लाइक अगर आप इस टाइप से होल्ड करके डेटा वगैरह चेक करते हैं तो आपको डेटा वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर टेबल पे प्लेस करके आपने थोड़ा सा इसको प्रेस कर दिया, विच मीन सेंसर टच हो रहे हैं टेबल सरफेस पे, तो वहां पे आपको डेटा नहीं आएगा। ऑन रिस्ट की अगर मैं बात करूं, तो आपको 98% के अराउंड एक्यूरेसी मिल जाती है। ब्लड ऑक्सीजन भी आपको 98% एक्यूरेट मिलता है, एंड सेम गोज विद हार्ट रेट, दोनों आपको काफी बढ़िया एक्यूरेसी के साथ मिलता है। जहां तक बीपी की बात है, मैं गिमिक बोलूंगा, लाइक बीपी हम वॉच से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि काफी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट आते हैं उस चीज को चेक करने के लिए, एंड आई डोंट थिंक सो कि वॉच इज पॉसिबल है, तो कहने के लिए तो आप चेक कर सकते हैं। एडिशनल फीचर्स में ओल्ड ने आपको 4 गेम यहाँ पे दिए हुए हैं जो आप खेल सकते हैं, टच काफी रिस्पॉन्सिव है, तो गेम खेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, काफी बोर्ड डिस्प्ले में बोल सकता हूँ, तो खेल सकते हैं 4 गेम। देन फाइंड माई फोन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, फोन आपका रिंग होता है चेक कर सकते हैं। फाइंड माई स्मार्ट वॉच भी आप कर सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन से अगर आपको ढूंढनी है तो यूज करेंगे। देन स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म जैसे फंक्शन है। अलार्म मैंने फायरबोल्ट की स्मार्ट वॉच पे बोला था कि सेट करना काफी डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे वो चीज थोड़ा सा ईजी है। देन वेदर अपडेट आपको मिल जाता है, जहाँ पे 5 से 6 दिन का डेटा आपको मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं अपने फोन पे, अपनी स्मार्ट वॉच पे वेदर अपडेट का हालचाल। देन म्यूजिक कंट्रोल एंड कैमरा कंट्रोल भी आपको मिलता है, तो म्यूजिक कंट्रोल को थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, ऐप से जाके ऑन कर लेना म्यूजिक सिंक्रोनाइज, ताकि आपका नेम वगैरह यहाँ पे आ जाए, जो फंक्शंस हैं वो इनेबल हो जाए, उसके बाद आप म्यूजिक का नेम चेक कर सकते हैं, आर्टिस्ट का नेम यहाँ पे दिख जाएगा, म्यूजिक को प्ले करना, पोज करना, प्लेस पे जाना, नेक्स्ट पे जाना, वो चीज़ चेक कर सकते हैं। साथ साथ वॉल्यूम कंट्रोल भी यहाँ पे दी गई है। जहाँ तक माइक्रोफोन आउटपुट है, काफ़ी अच्छी थी, सेम गोज विद स्पीकर, काफ़ी लाउड है कंपेयर टू स्मार्ट वॉच, इट्स वेरी लाउड। सो गाइज, आई थिंक हमने सारी चीज़ यहाँ पे कवर कर ली स्मार्ट वॉच के बारे में, चाहे इसके डिस्प्ले हो, सेंसर हो, स्पोर्ट मोड हो या अदर एडिशनल फीचर्स हो, आई थिंक एवरीथिंग हमने डिस्कस कर ली। तो 2000 रुपीज़ पे अगर ये स्मार्ट वॉच आपको मिलते हैं तो वैल्यू फॉर मनी है। लुक डिजाइन, हाँ हो सकता है आपकी प्रेफरेंस हो एप्पल वॉच जैसा, वो चीज़ दी गई है, मैं कॉपी तो इतना प्रेफर नहीं करूँगा, बट जो वैल्यू आपको मिलती है 2000 रुपीज़ में वो काफ़ी कमाल की है। अब देखना ये कितना चलेगी, एंड चलने पे एक और चीज़ है, बैटरी बैकअप 7 दिन का प्रॉमिस किया है ओल्ड ने, बट जहाँ तक मेरे को लग रहा है 2 दिन भी आपको काफ़ी मुश्किल से मिलेंगे, 2 दिन आप मान सकते हैं इस पे मिल जाएंगे। प्लस चार्जिंग टाइम जो है स्मार्ट वॉच का, वो आपको मिलता है करीबन 1-1.5 घंटा, मैंने इसको 30 मिनट चार्ज किया, 30 मिनट में ये करीबन 40-45% बैटरी चार्ज हो चुकी थी, तो चार्जिंग स्पीड कोई इश्यू नहीं है। तो 2000 रुपीज़ के अंदर आज के दिन पे ये सबसे बढ़िया स्मार्ट वॉच बोल सकता हूँ, आप ले सकते हैं, लुक डिज़ाइन के बेस पे भी या फ्यूचर के बेस पे भी, तो कमाल की वॉच है, एंड कैलकुलेटर भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही मेरे से, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई भी ओपिनियन है, कमेंट है, वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंटिल एंड स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय।